संस्कृति का परिचायक भी है, हमारे शरीर का रक्षक भी है। तो लंबी दाखों के आजकल 16 बदमाश लगा गेट पे उठना। दोस्तों, पगड़ी जो है राजस्थानी की एक शान होती है, और पगड़ी का जो है आजकल किस प्रकार जो पगड़ी बांधने वालों के अंदर कला होती है, किस प्रकार उनके अंदर पगड़ी बांधने का तरीका होता है, वो बहुत सारी होती है। और आज जो मरु महोत्सव जो है 2022 चल रहा है, इसके अंदर पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता हुई है। इसके अंदर पगड़ी के रूप में सजी हुई एक ट्रॉफी भी हाथ में ले रखी है। आपका नाम क्या है? मोहन सिंह भादरिया। अच्छा मोहन सिंह जी, आपका कौन सा नंबर आया पगड़ी प्रतियोगिता? मेरा द्वितीय स्थान आया है। दूसरा स्थान आया। अच्छा, भादरिया आपका गाँव है जी। मोहन सिंह जी, ये पगड़ी वाला शौक कैसे क्या जगह? मेरे बाल्यकाल से ही ऐसा मन में इंटरेस्ट था, और विद्यार्थी जीवन में मैं कक्षा 7वीं पढ़ता था तब मैं साफा बांधना सीख गया था। और हालांकि मैं राजपूत परिवार से बिलोंग करता हूँ, हमारी संस्कृति रही है और हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग साफा बांधते हैं, तो हमारे यहाँ विशेष जो त्यौहार रहता है आखा तीज, उसके दिन हमारे गाँव में परम्परा है कि साफे बांध करके एक दूसरे कोठड़ी में जाते हैं, सबको रामा सामा कहते हैं। तो उसमें कई मेरे मित्रगण थे, मेरे से साफा बांधाते थे, इंटरेस्ट जग गया। और इस बार हालांकि मरु मेला हर वर्ष होता है, इस बार यूं प्रतियोगिता का मुझे ध्यान रहा और मैंने देखा भाग ले लूं। अच्छा, पहली बार लिया आपने जी, बहुत लकी हो फिर तो आप। पहली बार में दूसरे एक बार ले सकते हैं इसमें भाग? नहीं, इसमें जो प्रथम आ गया है वो एक बार ले सकता है, बाकी द्वितीय स्थान आया वो अगली बार। और टक्कर मार बड़ा ऐसा विचार, अब ऐसी रुचि जगी है तो अगली बार। इस बार तो मेरी कोई यूँ तैयारी बगैर थी नहीं, हालांकि वैसे साफा जैसे बांधता हूँ और बिना कांच के, यदि कहीं साफा बांधते हो कांच में दे करके बांधते हैं, लेकिन ये बिना कांच से बांधा है, अगली बार अच्छी तैयारी करके आएंगे तो विश्वास है कि साफे की मतलब खीखी वेरायटी हुई। एक तो हमें थारे बांधो वो अलग, कई अंग छुरंगड़ हुए, कई अंग और तरीके हुए, कहीं कहीं ना हुए। देखो हर क्षेत्र के अनुसार, जैसे जैसलमेर में यदि देखा जाए तो भाटी पे का, खडाल का, या जैसे जोधपुर की साइड है थल जो यहाँ स्थान से, जैसे मारवाड़, उसके अलग अलग शैली का बांधा जाता है। जैसे जैसलमेरी, जोधपुरी और जयपुरी, ये अलग अलग प्रकार के साफे होते हैं। जैसलमेर जो ये साफा है, ये जैसलमेर के पूर्व महारावल थे गिरधर सिंह जी, उन्होंने ये सर्वप्रथम बांधा था। और ये कला उन्होंने चलाई है जो साफे की जी। हालांकि साफे बांधने का अलग अलग सबका पैटर्न होता है, लेकिन जैसलमेर के पूर्व महारावल जो ब्रजराज सिंह थे, जो गिरधर सिंह जी थे, गिरधर सिंह जी ने पहले ये साफा बांधा था, और इसी कारण इसी साफे को गिरधर बज साफा कहते हैं। गिरधर बज साफा कहते हैं, बहुत सुंदर। ओ साफा तो बड़ा काटो बांधो, मतलब एक फेंक दे तो बिखरे नहीं। नहीं, ऐसा है कि जैसलमेरी जो साफा है, इनके जैसे पचरंगी साफा है तो 5 रंगों में लिया जाता है, जैसे 5 रंग खुलने दिखने चाहिए, ऐसे अलग अलग प्रकार के साफे दिए जाते हैं। नहीं, ये मतलब बड़ा टाइट है, बांध खोल और दोबारा यूज कर सको? बिल्कुल बिल्कुल, खोल करके वापस बांध सकते हैं। मतलब एक बार कहीं भाई कोई गया हार गाड़ी में चलाना तो खोल गाड़ी में तो पाछ लगा। बिल्कुल, हालांकि देखो साफा प्रतियोगिता, ये साफा जो है ये एक हमारे संस्कृति का परिचायक भी है, हमारे शरीर का रक्षक भी है। पुराने समय में युद्ध होते थे, कई बार ऐसे घात हो जाती थी तो तलवार का, लाठी का यदि सिर पे ऊपर वार करे तो इससे हमें रक्षा करता था। कहीं पर पहले जमाने में पानी सींचते थे कुएं में, कई व्यक्ति ऐसे होते कि अंदर गिर जाए या ऐसी घटना हो जाती, तुरंत साफे को बहती हुई नदी में पानी में यदि कोई साफा फेंक करके उसको बचा सकते थे, यानी कि हमारे शरीर का एक अंग रक्षक भी है। मतलब बुजुर्गों ने जगी चीज चलाई जगी, मतलब बहुत, मतलब उसका कोई ना कोई मतलब रीजन है। एक चेक दिया है और प्रशस्ति पत्र दिया है, चेक और चेक 2000 है, मतलब 1-2-3। लेकिन मेरे लिए ये चीजें मायने नहीं रखती, मेरे लिए स्टेज बहुत है, स्कूल संचालक हूँ मेरे, दौलिया में निर्मल विद्या मंदिर चलती है। अच्छा। लेकिन एक मंच के ऊपर जाना, प्रतिभागी बनना, ये बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन ये हम इसलिए जानकारी चाह रहे हैं कि मिलता क्या है, ये भी पता होना चाहिए कि जो इस प्रतियोगिता में, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं बहुत सारी होती हैं, उनमें भाग लेने वालों को मिलता क्या। हाँ बाबा जी, आपका कोई नाम आगा क्यों ना हो? हाँ डरो, अशोक कुमार। अशोक जी, हाँ ठीक है, देखो वहाँ पोती और ठीक है, दूसरे स्थान बढ़िया है, बढ़िया आनंद है। थे गेडी लंबी गणली, आज तो लंबी दाखो के आजकल 16 बदमाश लगा गेट पे उठना। बाबा जी, आप हम दम छोरा गेडी में धारे? नहीं नहीं, 5 जना भले थे, काले आ जाए ट्राई लेना खा लगा। तो आ जाओ, थी ले गेडी, नहीं ले लो, चलाओ नहीं आवे ना, चला नहीं आवे मान, चला और बताओ। नहीं नहीं, चला तो बताओ, बस काल बताओ। सुना आदमी लो, दोस्तों लाठी चलाने की एक कला होती है। बाबा जी खड़े थे काफी देर से जो लाठी लेके घूम रहे, लाठी बोलते हैं जो चलाना जानता है वो 10 आदमियों को अकेला आदमी भारी पड़ता है। भारी पड़ता जी, आई बात है ना। मैं थारू पंगो नहीं ले मुड़ दो आदमी, लड़को 40 साल, आपकी उम्र भी नहीं है।
आपका ये जो जमसार चैनल है, मैं इनका फॉलोअर्स हूँ आपके और देखता रहता हूँ, और जहाँ आप अपेक्षित वहाँ उपस्थित हो जाते हो, ये सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि है। मेरा एक शौक था ये, लेकिन लोगों को बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। बिल्कुल जी, मैं आपका फॉलोअर्स हूँ, और हालांकि मैं एक पूर्णतः बिश्नोई गाँव, जैसलमेर जिले का धोलिया गाँव है, उसमें मेरा जैसे मानो पड़ोसी गाँव है बादरी और धोलिया, और मैं राजपूत परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान को भी मेरा एक परम जो गुरु मानता हूँ, और इनका जो पर्सनैलिटी है, रहने का ढंग, उनकी संस्कृति एक प्रकार से अलग प्रकार से, और मैं विष्णु समाज के अपने जो धर्म के जो भजन है इत्यादि जो भजन सुनता हूँ, और आपका जो ये जमसार चैनल है मैंने फॉलोअर्स किया, और आपके हर मेला इत्यादि जम्बेश्वर भगवान के जो मेले लगते हैं अन्य अन्य स्थानों पर, उनके आप दर्शन करवाते हैं इस माध्यम से, तो मैं आपका अच्छा फैन हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने सापा प्रतियोगिता में भाग लिया और हमारे अच्छे फॉलोअर हैं, जिस हिसाब से हम प्रयास करते हैं कि जितना अच्छा जो कंटेंट है वो आप लोगों के बीच में ला सकें, और आप लोगों का जो प्यार और आशीर्वाद है वो आप लोग इसी प्रकार देते रहें। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, और हमारी जो राजस्थानी आन और बान शान सापा है, राजस्थानी पहनावा है, ये परंपराएं चंद लोग हैं जो इसको बचा के रखने का प्रयास जो अपने हुनर के माध्यम से कर रहे हैं, वो इस प्रकार करते रहे तो कहीं ना कहीं हमें बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।